एक तो हमारे यहाँ ये होता है कि बस पूरी साल की परफॉर्मेंस छोड़ दो, रोहित शर्मा को बोल्ड कर दो, विराट कोहली को बोल्ड कर दो, तो सारे गुनाह माफ, आप जन्नत में चले जाएंगे। हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है बस, कि जन्नत में जाने के लिए विराट कोहली को आउट करना जरूरी है, रोहित शर्मा को आउट करना, इन दोनों को आउट कर लो जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। थैंक यू, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है आपको। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट विशेज, हैव गुड टाइम। थैंक यू, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। लास्ट टाइम ये हुआ था तो तुम जो है वो पैदा हुए थे, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि उसकी आपस में उन दोनों की चाचा चाची की आपस में लड़ाई हुई थी, तो उस दिन तुम पैदा हुए थे। किसी पठान किसी से भी पूछ लेंगे उनको उनकी डेट ऑफ रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। तो यानी ये आप अंदाजा लगाएं कि 24 साल शाहीन शाह अफरीदी 24 साल का नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी मस्ट बी अराउंड 28 27, ये उसकी रियल एज होगी। और वो उसकी फिटनेस से भी पता चलता है, वो उसकी शक्ल से भी पता चलता है। तुम्हारी क्या पेशेंस है, तुम्हारी पेशेंस मैं बताता हूँ तुम्हारी क्या पेशेंस है, ठीक है ना। तो बंदे को अपनी औकात में रहना चाहिए, तो शाहीन शाह अफरीदी को अपनी औकात में रहना चाहिए कि वो इतना कोई वसीम अकरम नहीं बना अभी, या वो शुएब अख्तर, एक तो ये दो विकटे जो है वो ले लेते हैं, तीन विकटे ले लेते हैं अपने आप को शुएब अख्तर समझ, मैं शुएब अख्तर हूँ, मैं वसीम अकरम हूँ। इन दोनों अफरीदियों के जो है वो जिक्र हो रहे हैं, शाहिद अफरीदी उधर सियासतदान बनना चाहता है, उधर वो जलील हो चुका है, और इधर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो जलील हो रहा है। तो उसने कहा कि जी मैंने तो शाहीन शाह अफरीदी को कभी भी नहीं कहा कि कप्तानी ले लो, तो बैट कौन लेता है, अच्छा सा अच्छा बैट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को अच्छी से अच्छी गाड़ी कौन लेके देता रहा है, शाहिद अफरीदी जो है वो लेके देता रहा है ना। तो इसने उसको कहा तो कप्तान बन जा, लॉबी बनाते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसी की तैसी है, मैं गुंडा हूँ, मैं तो जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब मैं एज ए कप्तान था या मैं जब एज अ प्लेयर था मैं तो गुंडा था, मैं तो इनको धमकियां देता था पीसीबी वालों को, तो मैं तुम्हें भी कप्तान बना दूंगा आराम से। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया, बाबर आजम वापस आ गया और पुअर परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी, किसको मौका दिया जाए इसको, और भाई पीसीबी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिन रात चेंजिंग हो सकती है, जो भी आपको ओहदा दिया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी जो है वो ओहदा जो है वो यहाँ रहेगा। आमिर जो है वो कम बैक कर रही है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि शाहीन शाह अफरीदी ने इतनी परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी अगर वो मोहम्मद आमिर को बीट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद शाहीन शाह अफरीदी, कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो है वो उनकी फिटनेस को लेके उनकी जो एबिलिटी है वो उस तरह की अब नज़र नहीं आ रही जो कि पहले नज़र आती थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो जाके बैठ गए, और उनकी फिटनेस उस लेवल की या उनकी वो जो है वो उस लेवल की नज़र नहीं आ रही जो कि हमें उनसे उम्मीद थी। के साथ कंपेयर किया जाए वैसे तो कंपेयर बनता ही नहीं है, और इनको इन तीनों बॉलरों में अगर फर्क देखा जाए तो 6 फुट 6 इंच शाहीन शाह अफरीदी का कद है। तो ये जो आमिर थे वसीम थे ये इतने बड़े नहीं थे कद में, वसीम अकरम थोड़ा बहुत हमें लगता है, लेकिन रियल में देखो इतना बड़ा नहीं है वसीम अकरम। तो आमिर जो था वो सिर्फ अपनी स्विंग पे भरोसा करता है, वसीम अकरम भी स्विंग पे क्योंकि छोटे थे तो ये स्विंग पे ज़्यादा इनका फोकस होता है, कि इनका फोकस होता है स्विंग। शाहीन के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो उसकी हाइट का था, जो वो बाउंस पे भी कर सकता था और स्विंग भी, उसके पास बाउंसर पे भी एबिलिटी थी, एडवांटेज था, और स्विंग का भी एडवांटेज था, तो उसको ज़्यादा थ्रेटिंग जो है वो होना चाहिए, जो कि ये रहा है कुछ अरसे, लेकिन वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंसेस में थोड़ा बहुत हमें नज़र आया है कि यार वो चीज़ नहीं है। फिर वो इंजरी भी हुई है, चला गया, इंजरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर किया जाए तो उसको एडवांटेज था दोनों से। लेकिन वसीम अकरम तो उसको तो इनसे कंपेरिजन ही नहीं बनता ना, वो तो छोड़ो। अगर आप कहेंगे जी आमिर और शाहीन का कंपेरिजन देखें तो चलो हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शाहीन का कंपेरिजन वसीम अकरम के साथ करो। वाह, मतलब इतनी औकात नहीं है शाहीन शाह अफरीदी की यार, सॉरी टू से, इतनी औकात नहीं है कि उसको वसीम अकरम के साथ कंपेयर करें और वसीम को जो है वो आमिर के साथ कंपेयर करें, टोटली डिफरेंट। ठीक है,
या आप टोटली डिफरेंट जो है बोलने चाहिए। मैं कह जी मेरे सबर का इम्तिहान ना लिया जाए, सबर का इम्तिहान क्योंकि आपके जी कम्युनिकेशन जो है वो गैप है, पीसीबी ने आपको बताया नहीं। मैं सुबह उठा कि मेरी कप्तानी चली गई, आपने क्या किया था, आपने वर्ल्ड कप जिताया कोई पाकिस्तान को, आपने पीएसएल का जो ट्रॉफियाँ जिताई हैं, पीएसएल आप इंटरनेशनल कप्तान ही नहीं हो, इंटरनेशनल लेवल के कप्तान ही नहीं हो, आप मतलब न्यूजीलैंड में एक्सपोज हो गए हो, जो मतलब न्यूजीलैंड की सीरीज थी उसमें आपकी कप्तानी एक्सपोज होगी, आपको समझ लिया उन्होंने कि आप किस तरह के कप्तान हो, आप एक लॉबी के थ्रू आए थे, शाहिद अफरीदी ने आपको कप्तान बना दिया, अब शाहिद अफरीदी डिफरेंट उसमें प्रोग्राम्स में झूठ बोल रहा है कि जी मैंने तो उसको कहा ही नहीं है कि कप्तानी जो है वो कीजिए, मैंने तो कहा कप्तानी से दूर रहो, मतलब इतना झूठा आदमी है शाहिद अफरीदी।